साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखने तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए पंचांग के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कलयुग कितने वर्ष बीत चुके हैं, यानी कलयुग का समय कितना वर्ष बीत चुका है और कितना वर्ष अवशेष रह गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में चार युग जो होते हैं, चतुर्युगी जो कहे जाते हैं, चारों युग की अवधि कितनी बताई गई है आपके पंचांग में। अन्य पुस्तकों को तो छोड़िए, आप अपने पंचांग में देखना सीखिए, ताकि आपके पास पंचांग हमेशा रहती है। आप इस पंचांग के माध्यम से सब कुछ जातक को या खुद समझने के लिए आप अध्ययन करें। आज हम लोग देखते हैं कि इस पंचांग में कहां पर सभी चतुर्युगी के बारे में वर्णन दिया हुआ रहता है, जिसे हम देख करके कैसे समझेंगे। तो हम लोग देर न करते अपने विषय पर चलते हैं। यहां देखें, फर्स्ट पेज के जैसे पलटेंगे आप दूसरा पेज पर आएंगे, उसी पेज पर यह दिया हुआ रहता है प्रथम में कोने में, जैसे यहां दिया हुआ है। जैसे देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री विश्वनाथ शरणम, श्री भगवत रामचंद्राय नमः। इस यहीं पर नीचे में जब आएंगे तो यहां देखिए प्रमाण में यहां दिया हुआ है, यानी सतयुग जो है, सतयुग का समय यहां पर है 1728,000 वर्ष। सतयुग का समय अवधि बताया गया है। बात इसमें आती है कि यह कब प्रारंभ हुआ, यानी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रथम्याम श्रावण पक्षे विधि जोगे, यानी कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष नवमी श्रावण महीने में विधि जोग था, उस समय सतयुग की उत्पत्ति हुई। अब आगे देखते हैं, पहले उत्पत्ति ही देख लेते हैं, चलते हैं पहले। यहां देखिए, पहले एक बात और सीख लें हम लोग कि इस युग में क्या क्या कौन कौन से अवतार हुए। मत्स्य अवतार, मत्स्य कुर्मो बाराह नरसिंहा चत, यानी कहने का मतलब है कि मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बाराह अवतार, नरसिंहा अवतार, ये चार अवतार हुए। अब देखें कि इसके बीतने के बाद साथ ही साथ यहां देखें हिरण्यकश्यपु भी इसी समय हुए, प्रहलाद भी इसी समय हुए। यहां पर सारी बातें दी हुई है, आप देखने की आपको जरूरत है। आगे देखते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीयाम चंद्र रोहिणी, यानी चंद्र रोहिणी नक्षत्र द्वितीय प्रहर प्रहरे, मैंने दूसरे प्रहर में शोभन योग में त्रेता योग की उत्पत्ति हुई। इसका समय अवधि कितना बताया गया, इसके लिए 1,96,000 वर्ष इसका अवधि बताया गया है, यानी द्वापर युग का। अब आगे देखते हैं, वामन परशुराम है राम, यानी वामन अवतार भी हुआ, परशुराम अवतार भी हुआ, रामा अवतार भी इसी में हुआ है, यानी त्रेता युग में। विश्वामित्र भागीरथी दिलीप मकरध्वज दशरथ राम, ये सभी इसी युग में आए थे। अब आगे देखते हैं, त्रेता युग में आए थे, ये देखिए आप देखते हैं द्वापर युग। द्वापर युग जो है इसमें कृष्ण बुद्ध अवतार हुआ था, इसका समय अवधि जो है 864,000, यानी द्वापर युग का समय अवधि 864,000 बताया गया है जो पंचांग में है। इसमें कृष्ण अवतार और बौधा अवतार हुआ था। आगे देखते हैं, भाद्रपद कृष्ण त्रियोदशी रवो वहनी भे व्यति पाते निश्चित है कली युगे उत्पत्ति, यानी भादो महीना के कृष्ण पक्ष अन्हारा त्रियोदशी तिथि रविवार व्यतिपात योग में इनका जन्म, इनका उत्पत्ति यानी कलयुग की उत्पत्ति हुई थी। इनका समय अवधि जो है 432,000 बताया गया है, यानी कलयुग की अवधि पूरा। आगे विशेष में हम लोग ध्यान देते हैं कि एक कल्प जो बीत चुके हैं, अभी तक जो कल्प का प्रारंभ हुआ है वह 1,57,29,50,129 वर्ष कल्प को प्रारंभ हुए हो गए।
सृष्टि की पर प्रारंभ जब हुआ उसका समय कितना हुआ, 1,95,58,85,121 वर्ष। अब आगे देखते हैं कलयुग, तो हमने देख लिया यहां पे कि कलयुग यहां पर 4,32,000 का समय बताया गया है। तो कलयुग का समय कितना अभी तक बीत चुका है और कितना अवशेष रह गया है, उसके लिए 5,121 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अभी अवशेष जो है यहां पर देखें, अवशेष जो है 4,26,879 वर्ष अभी अवशेष कलयुग रह गए हैं, यानी कलयुग का समय रह गया है, ऐसे हमें समझना चाहिए। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक से नई बात बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझें सीखें। पंचांग में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे साथी इसके बारे में नहीं जानते हैं, कृपया आप अध्ययन करें, निश्चित ही जानकार बनेंगे। वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।